कोई भाई नहीं है मेरा। भाई लेने आया है तुम्हें, उसके साथ जाओ अपने घर। आप किस घर की बात कर रहे हैं? अब बेटा मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। इकबाल को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और राबी को लेने दाऊद के घर पहुंच जाता है, लेकिन राबी जाने को तैयार नहीं होती। कहती है कि मेरा ना कोई भाई है और ना ही मेरा कोई घर। दाऊद राबी को अपनाना चाहता है और उसकी माँ भी इस रिश्ते से बहुत खुश है और उसके बेटे को अपना नाम देना चाहता है। इकबाल लोगों के ताने सुनकर बहन को तो लेने आ जाता है, लेकिन बहन साथ जाने को तैयार नहीं होती। उसको बहुत शर्मिंदगी होती है कि उसने अपनी बहन के साथ बहुत बुरा किया। क्या राबी की हालत बेहतर होगी और वो दाऊद से शादी करने को राजी होगी? क्या दाऊद को अपनी मोहब्बत मिल पाएगी? क्या राबी इसी तरह मतीन की याद में जिंदगी गुजारेगी? राबी दाऊद की जिंदगी अगला क्या मोड़ लेगी? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। शुक्रिया।